आस्ट आई थिंक आप चुनाव लड़ने जा रहे थे एंड यू वर टोल्ड बाय द पार्टी कि आप जैसे आपका नाम है आशुतोष और जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि आशुतोष वॉट तो मुझे तो एक्चुअली याद ही नहीं ना मुझे मालूम है सो यू नेवर यूज योर कास्ट नेम लेकिन जब आप चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो आपको आम आदमी पार्टी ने सलाह दी या इंस्ट्रक्ट किया दैट यू मस्ट यूज योर फुल नेम तो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट एंड आई आस्क दिस इन द कॉन्टेक्स्ट कि आतिशी मार्लिना को लेकर भी ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी दरअसल ये मेरी गलती की वजह से ही ये बात इतनी बड़ी हो गई क्योंकि जब आम आदमी पार्टी जीती तो मैंने एक एनडीटीवी के लिए एक कॉलम लिखा था जी उस कॉलम में मैंने इस बात का जिक्र किया था उसको लोगों ने पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया ओके फैक्ट क्या है कि जब आई टेक लिटिल बिट टाइम टू एक्सप्लेन दिस जब मैं जवान जेएनयू में था और मंडल का आंदोलन चल रहा था मंडल कमीशन लागू हुआ था और बहुत सारे एंटी मंडल आंदोलन चल रहा था तो उन दिनों मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से कहा कि यार ये हम लोग अपना सरनेम हटा देते हैं तो बहुत सारे लड़कों ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हम लोग का तो मैंने कहा कल 11 बजे लाइब्रेरी में हम लोग इकट्ठा होंगे वहाँ हम लोग अनाउंस करेंगे कि अपना सरनेम हम नहीं यूज़ करेंगे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर सिर्फ मैं अकेले था और कोई नहीं था वहाँ पर सो जेएनयू में पैम्फलेट लाने की एक परंपरा है तो मैंने कहा कि अब मैं तो अपना सरनेम ड्रॉप करूंगा तो फिर मैं पैम्फलेट लेके आया आशुतोष यस एंड गुप्ता नो नो करके पैम्फलेट आया वो कोई नहीं और तब से मैंने उन दिनों में पत्रकारिता में भी था तो मैंने अपना सरनेम हटा दिया सिर्फ आशुतोष के नाम से चलता रहा जब मैं चुनाव लड़ने के ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैंने कहा अब तो ये बहुत ही गलत होगा कि मैं अपना सरनेम आशुतोष गुप्ता पूरा लिखूँ इसमें मैंने कहा दैट विल बी वेरी अनएथिकल तो मैं बाकायदा मैं कोर्ट गया कोर्ट में जाके मैंने अपना सरनेम ऑफिशियली ड्रॉप किया ओके ऑफिशियली ड्रॉप किया एंड अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा चुनाव के पहले क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो सरनेम मैंने ड्रॉप कर दिया था अब वो पोस्टर पे आशुतोष गुप्ता चले तो मैंने ऑफिशियली जाके ड्रॉप किया और हालांकि उसकी वजह से मुझे बाद में सारे डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़ा ऑफिशियली ड्रॉप किया तो क्या हुआ कि मुझे तो पॉलिटिक्स का अंदाजा था नहीं तो जब मैं कंटेस्ट कर रहा था तो हर 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो पार्टी का एक नुमाइंदा था वो इंट्रोड्यूस करता था तो जो पहली जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे जो सज्जन मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे बहुत ही शैतानी पूर्वक बहुत ही उस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए ये तो है आशुतोष और आप सब तो जानते हैं कि बड़े आदर्शवादी हैं आइडियलिस्ट हैं और इन्होंने अपना गुप्ता नाम ड्रॉप कर दिया चालाकी चालाकी अब मैं वहां क्या कहता वहां पे मैं क्या बोलता मैं तो गुप्ता हूं नहीं मैं तो हूं नहीं फैक्ट तो था कि मैंने अपना सरनेम ड्रॉप किया तो उन्होंने फैक्चुअली उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था But they found a way to bring your caste name in. But इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि चांदनी चौक में बहुत सारे बनिए रहते हैं बहुत सारे अग्रवाल बनिए बंसल रहते हैं तो इसलिए उन्होंने ये बात मैंने अपने आर्टिकल में लिखी जी नहीं अन्यथा किसी को पता नहीं अब जब मैंने उसको लिखा तो उसके बाद जो हमारे जो तमाम विरोधी लोग थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया कि आप तो अपनी जात का इस्तेमाल करते तो मैंने कभी अपने किसी भी स्पीच में मैंने कहीं अपने सरनेम का जिक्र नहीं किया बयान यहां तक कि मेरे जो 20-25 साल के दोस्त उनको भी मेरा सरनेम नहीं पता था करना पड़ता है उसके बाद भी मैंने कभी never used. You said, I found it very funny जब आतिशी मार्लिना का हुआ, then I found it very funny. Funny in what way? Funny in the sense कि you are known as आतिशी मार्लिना. Why you need to have आतिशी सिंह now? Yes. That means. And Marlina is Marx Lenin. Marx and Lenin. हाँ. So तब मुझसे जब लोगों ने पूछा तो मैंने बहुत ही बचा के मैंने कमेंट किया था बट आई मुझे लगा कि ये यही ऐसी ही पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिक्स ऐसी धीरे धीरे आपको अपना गुलाम बना लेती है अप्रोप्रिएट कर लेती कि मैंने अपना सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन पब्लिक को पता चल गया मेरा सरनेम क्या है आतिशी को अपना सरनेम बदलना पड़ गया दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट